डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एस्टेट 2021 के एडमिट कार्ड के बारे में। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपका जो ऑफिशियल बुलेटिन आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि द कैंडिडेट में डाउनलोड द एडमिट कार्ड ओनली फ्रॉम एस्टेट ऑफिशियल वेबसाइट 8/12/2021। तो 8 तारीख को आप अपने एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ था, लेकिन जो अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो बच्चे परेशान हो रहे, कमेंट करें एडमिट कार्ड कब आएंगे, और जो है कहीं पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो गया। तो पहली बात कि पेपर पोस्टपोन, तो इसके लिए अभी तक जब तक वीडियो बने तब तक तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पोस्टपोन होने वाला है। तो पेपर अभी तक तो तय समय पर होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात करते एडमिट कार्ड के लेट की, तो दोस्तों ये जो हरियाणा में तो ये नॉर्मल होता है, तो जो हरियाणा के हैं तो उनको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो ये जान लीजिए कि एडमिट कार्ड एक दो दिन लेट आते हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी हरियाणा की। तो एडमिट कार्ड के जो डेट गिवन होती है ऑफिशियल नोटिस में, तो उससे 1 से 2 दिन का डिले होता है, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड अगर आ जाएंगे तो शाम के टाइम 5 बजे के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 5 बजे के बाद भी। तो आपके जो एडमिट कार्ड के जो टाइमलाइन है वो आज है और 10 है, 9 और 10 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर कोई पोस्टपोन को लेकर ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।